गाइस, दिस इज हर्षित शैन। वेलकम टू माय चैनल लिव विद हर्षित। गाइस, दिस इज अर्षित शैन। वेलकम टू माय चैनल। और इट्स वीकेंड, सो कहीं ना कहीं हमें जाना था, लेकिन कहाँ जाए हम सुबह से सोच नहीं पा रहे थे। सोचा कि चलो बैग पैक करते और निकल जाते एक बार बाहर। कहाँ जाएंगे वो पता नहीं है। सो हम निकल चुके हैं और हमारा डे कैसा रहता है वो आगे हम बताऊंगा मैं आपको। सो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, कैसा मेरा डे जाता हैपनिंग रहता है या सैड रहता है या क्या क्या हम एडवेंचर्स करते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सो स्टे ट्यून विथ मी इन माय चैनल लिव विथ हर्षित। अभी तो हम रुके हुए फूड कोर्ट में कुछ खाने के लिए, फिर भी अभी भी हम लोनावला के रुक पे, पता नहीं हम आगे कहाँ जाएंगे। लेकिन आफ्टर एन अनप्लान इवेंट हमें पता नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे। सब होटल सोल्ड आउट, लोनावला, लवासा, एवरीवेयर, एवरी होटल इज सोल्ड आउट। सो हमें समझ नहीं आ रहा था, हम तो बैग पैक करके निकल गए, कहीं ना कहीं हमको जाना था। तो फाइनली हमें पुणे की एक शानदार प्रॉपर्टी मिली है। अनप्लान्ड इवेंट का और एक अनप्लान्ड ट्रिप का एक अपना ही मज़ा होता है, एक नए नए एडवेंचर्स आप फेस कर सकते हैं और इतनी मुश्किलें आपको पड़ती है, लेकिन फिर भी वही चीज़ में जो मज़ा आता है वो कोई प्लान्ड चीज़ में कभी नहीं आता। और गाइस, ट्रिप कभी प्लान करके इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है जितनी अनप्लान्ड ट्रिप्स होती है। यार पूरे ट्रिप में एक ही शानदार चीज़ हुई है मेरे साथ और ये होटल, इतनी शानदार होटल है कि पूरे दिन जो हम थक चुके हैं, हमारी एनर्जी डाउन हो चुकी है और यहाँ पे रेस्ट करके हम फुल चार्ज होने वाले हैं और कल नया दिन स्टार्ट करने वाले हैं। होप सो कल भी हमारा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहे।
बाय गाइस। तो गाइस डे वन ख़त्म हो चुका है और हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, सो हम डे टू की तरफ जा रहे हैं। वो भी दिन कैसा होगा, एक्साइटिंग होगा, क्या होगा मुझे पता नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिए, आगे आगे मैं बताऊंगा मेरे साथ पूरे दिन में क्या होता है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी फॉर अनदर एक्साइटिंग डे।